नमस्कार दोस्तों, आज जब वह सपना देख रहे हो जो आपने कभी नहीं देखा, तो आपको आज वह करना पड़ेगा जो आपने कभी नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीतकन राशि पर। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों का 31 जुलाई दिन बुधवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन जो सप्ताह रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, तो दोस्तों आइए शुरू आपको बताएंगे सिंह राशि वालों को पारक वाले जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आइए शुरू आगे संपूर्ण राशि पर बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज बुधवार है, सरस्वती माँ का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय सरस्वती माँ लिखें, सरस्वती माँ आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार, आज की तिथि एकादशी, आज का नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, पांच अचारक कृष्ण पद। आज सूर्य उदय होगा सुबह 5:42 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 7:12 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 11:20 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। दोस्तों आज आपको शुक्र करना चाहते हैं तो आप इस समय करें, आपके लिए शुभ होगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है दोपहर 2:43 से दोपहर 3:50 तक रहेगा। दोस्तों इस समय कोई भी शुभ कार्य ना करें, विघ्न आ सकता है। आज आपका लकी नंबर है 5 और शुभ रंग है फिरोजी और गुलाबी। दोस्तों अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज कुछ जातकों को अपने कारोबार व्यवसाय में आज लाभ मिलेगा, लेकिन आज मानसिक उलझन और परेशानी से आपको उम्मीद से कम लाभ मिल सकता है। सरकारी क्षेत्र में आपको कोई काम है तो आज वह काम अटक सकता है। आर्थिक मामलों में आज किसी पर भरोसा ना करें, आपके लिए सही होगा। अगर लेन देन करना है तो जरूरी कागजों को ध्यान से पढ़ लें और हो सके तो अपने बड़ों की राय अवश्य लें तो आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही आपको बताएं आज का दिन गृहस्थी और लव लाइफ के मामले में आज अच्छा रहने वाला है। प्रेमी के साथ आज की शाम आप रोमांटिक पलों का आनंद लेंगे। आपको आज परिवार का साथ सहयोग मिलेगा। दोपहर बाद आपको कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिससे आपका मन परेशान हो सकता है। दूर रहने वालों को किसी संबंधों में आज आपकी लंबी बातचीत होगी। माता पिता की सेहत का ध्यान रखें और उनका ख्याल रखें। साथ ही साथ आपको बताएं आज आपका मन अध्यात्म की तरफ भी रहेगा। घर वालों और दोस्तों के साथ आप हो सकता है कि कहीं पास के किसी मंदिर या धार्मिक स्थल में आप जाएं, जहां आपको मानसिक शांति मिलेगी। वैसे नौकरी करते हैं तो आज परिवर्तन के युग भी आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जल्दबाजी में कार्य ना करें वरना काम बिगड़ सकता है। बेवजह के खर्चों पर कंट्रोल रखें। नौकरी बिजनेस के मामले में सही समय पर काम आपके पूरे होंगे, लेकिन लव लाइफ पहले से कहीं बेहतर है। जॉइंट पेन की समस्या थोड़ी परेशान करेगी, आज अपना खास ख्याल रखें। और दूसरी तरफ आज के दिन जैसे कि परिवार में शांति बनाकर रखना आज आपकी जिम्मेदारी होगी। साथ ही साथ आपको बताएं आज इनकम बढ़ने के साथ मन में थोड़ी प्रसन्नता रहेगी, लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव है। घरेलू जीवन आपका बढ़िया है। और दूसरा आज बुद्धिमानी के हर क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, तो हर जगह धैर्य और बुद्धिमानी की आवश्यकता है। विशेष काम के कारण आपको यात्रा वगैरह पर भी जाना पड़ सकता है। इस समय नया काम यदि आप शुरू करने जा रहे हैं तो पहले से सावधान रहें, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें। आकस्मिक यात्रा के योग हैं। किसी बात को लेकर भाई बहन से कोई अनबन थी तो वह आज दूर होती हुई दिखाई देगी। संतान की तरफ से आज आपको कोई खुशखबरी आज प्राप्त हो सकती है, हो सकता है तो इनमें देखिए अपेक्षित कार्यक्रम में थोड़ी विलंब है। किसी खास व्यक्ति से विशेष नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। दूर से कोई ऐसे समाचार मिल सकते हैं जो आपको थोड़ा टेंशन बढ़ा सकते हैं, जिसके चलते बेवजह की आज भागदौड़ रहेगी। किसी व्यक्ति के व्यवहार से थोड़ी और प्रसन्नता हो सकती है और विदेश से संबंधित कार्यों में आज गति मिलेगी। अगर बिजनेस की बात करें तो धन लाभ लाभ के योग हैं। समस्याओं की वजह से थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, लेकिन परिवार का साथ आज आपको मिलेंगे और लाभ भी होगा। लेकिन आपका जीवन साथी थोड़ा अजीब व्यवहार कर सकता है, लेकिन फिर भी आज बिना सोचे कोई आप शब्द ना बोलें। आपको पैसे में लाभ होगा। निवेश आज भूलकर भी ना करें, क्योंकि आप अपने धन के संचय को लेकर अक्सर थोड़ा लापरवाह होते हैं, जिस कारण नकारात्मक असर आपके जीवन में आर्थिक तंगी को उत्पन्न कर सकता है। शनि आपके चौथे भाव में स्थित होने के कारण आपको आज अपने घर के लोगों से धन की बचत को लेकर बात करते हुए उनसे सलाह लेने की जरूरत होगी।
क्योंकि इस दौरान आपके बड़े बुजुर्गों की सलाह और उनका अनुभव ही आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भविष्य में मददगार सिद्ध होगा। परिवार में आ रही हर तरह की परेशानी आज आप दूर करने में सफल होंगे, जिससे कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी कि पारिवारिक लोगों के मध्य भाईचारा बढ़ेगा। अतः इस समय आपके लिए आवश्यक होगा कि आप स्वयं भी घरेलू कार्यों में भाग लेते हुए घर की महिलाओं की मदद करते हुए दिखाई देंगे। कामकाज के लिहाज से आज का समय पूर्व से काफी बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने घर के बड़ों और खास तौर से अपने माता पिता का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके जीवन में आ रही काफी हद तक समस्याएं दूर होंगी। साथ ही संभव है कि आज माता पिता आपकी आर्थिक सहयोग देते हुए व्यापार वृद्धि करने में भी आपकी बड़ी मदद करेंगे। पूर्व में जिन भी विषयों को आपको समझने में दिक्कत आ रही थी, आप उन्हें आज समझने की पूरी तरह सफल रहेंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपने पूरे मनोयोग से अपने पढ़ाई के प्रति खुद को समर्पित करते हुए एकाग्रचित्त होकर रहें और अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उनके जीवन में आज कोई प्यारा साथी दस्तक दे सकता है। अपने प्रेम जीवन को गहराई देने का और एक दूसरे को समझने का आज का दिन अच्छा है। जीवन साथी व परिवार जनों का सहयोग आपके आत्मबल व आत्मविश्वास को बनाकर रखेगा और आप तनाव मुक्त होकर अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, परिवार आपकी प्राथमिकता पर रहेगा। जीवन साथी आपकी परिस्थितियों में पूरी तरह से सहयोग देगा। साथ ही माता पिता व घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह आपके आत्मविश्वास को बनाकर रखेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम शादीशुदा जातकों की बात करें तो ये समय प्रेम जीवन में एक दूसरे के प्रति अपने और आपके विश्वास को मजबूत बनाने वाला समय होगा, क्योंकि इस दौरान आपका साथी आपके समक्ष अपने मन की बात करने में कोई समस्या नहीं महसूस करेगा, जिससे आपको उनके जीवन से जुड़े आज कई राज आपको जानने के अवसर मिलेंगे। साथ ही शादीशुदा जातकों के ऊपर प्रेम और कामुकता दोनों ही हावी रहेंगे, जिसके कारण आप जीवन साथी के प्रति अधिक आकर्षण महसूस करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ आज आप समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। साथ ही आपको जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपका साथी आपके पक्ष में रहेगा और उनके द्वारा इस दौरान किसी कार्य में आपकी मदद भी की जाएगी, जिससे आप अपने रिश्ते में सालों बाद नयापन महसूस करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए की जानते हैं। तो दोस्तों, आज सेहत के नजरिए से स्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में दिखाई देंगी, जिससे आप एक अच्छे और बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेकर प्रसन्नचित होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही इस राशि के बुजुर्ग जातकों को इस दौरान आपको घुटनों और हाथों की पुरानी परेशानी से भी निजात मिल सकती है। अगर दोस्तों आप अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा करना चाहते हैं, तो आप अपने खान पान का ध्यान रखें और रोजाना योग व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं, ताकि आपको आने वाली